हेलो फ्रेंड्स, भाई बहन, मम्मी ब्लॉग में सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अच्छे हेल्थ में होंगे और परिवार का ख्याल भी रखते होंगे। तो एक हफ्ते के अंदर समर की मम्मी लेने वाली है अपना घर। वाह, क्या बात है, बधाई हो गुनगुन। तुमको बधाई इसलिए दे रही हूँ क्योंकि तुम्हारा बच्चा तो 15 महीने बीत गया है, फिर भी दुनिया में नहीं आया। पर समर की मम्मी से सीखो, एक हफ्ते अंदर फ्लैट ले रही है वो भी अपना। हाँ, जमींदारनी, पैसे बहुत है तुम्हारे पास। और यहाँ पे गुनगुन के पापा करेंगे मदद अगर ज़रूरत पड़ी तो। वो तो अपने हाथों को फैला के बैठे हैं समर की मदद करने के लिए, क्योंकि समर ने भी उनकी बहुत मदद की है। और यहाँ पे तो मैं टकलू अंकल से एक चीज़ बोलना चाहूँगी, गुनगुन के पापा से, कि आप जो कह रहे हो कि राधिका की मम्मी बड़ा इंटरफेयर करती है, बेटी के घर में आके बस जाती है, तो आपकी बीवी और आप क्या करते थे गुनगुन के लाइफ में, भूल गए हैं शायद? मैं याद दिला दूँ, आप लोगों के वजह से तो गुनगुन ने घर नहीं बसाया। आप लोग इतना आके इंटरफेयर करते थे, आपकी वाइफ इतना आके इंटरफेयर करती थी, झाड़ू लगा रही है, ये कर रही है, सास से काम करवा, बैग पैक कर सास को बाहर भागा, घर भागा, इतना कुछ किया करती थी। तब आप लोगों ने नहीं देखा कि गुनगुन का लाइफ ख़राब हो रहा है समर के साथ, उसके घर में इंटरफेयर कर करके आज ये नौबत आ गई है। और अब आप राधिका के ऊपर उंगली उठा रहे हो। राधिका की मम्मी को कोई शौक नहीं आया था राधिका के संग आके रहने का? आपकी बेटी गुनगुन जब देखो उसके घर में जा के रहती थी, समर की मम्मी जब देखो गुनगुन का साथ देती थी। समर गुनगुन को प्रेग्नेंट कर दिया था, वो बेचारी करती तो करती क्या? ये सब भूल के आप बोल रहे हैं कि राधिका की मम्मी इंटरफेयर करती है, तो ये सब बोलना आपको शोभा नहीं देता। और यहाँ पे समर की मम्मी, आपका बेटा का घर है, आप 1000 बार रहिए, आपको किसी ने नहीं कहा कि मत रहो, पर आपको तो बेटे के घर में तो रहना सुहाता नहीं है, आपको रहना है गुनगुन के घर में। और यहाँ पर रोशनी इतनी अच्छी लगने लगी है आपको कि रोशनी समर के वजह से, राधिका की वजह से अपने पापा से बगावत करके बैठी हुई है, तो अच्छा है ना, अपना घर ले रहे हो। राधिका घर में रहे ना रहे, तीसरी शादी करवा देना बेटे की रोशनी से, अच्छे नए समधी मिल जाएंगे जादू टोना करने वाले, और भी अच्छा रहेगा। ना डिस्काउंट का चिंता, ना पैसे की चिंता, फ्री फंड में करेंगे काम। और क्या, आप लोग तो ऐसे ही हो, आप लोग राधिका जैसी लड़की को डिज़र्व नहीं करते, आप लोग ये रोशनी जैसी लड़की को डिज़र्व करते हो जो एक पैर में खड़ी है समर से शादी करने के लिए। और आपको लगता है उसके समर के लिए कोई फीलिंग नहीं है, ऐसे ही उसका नाम बदनाम किया जा रहा है। हाँ, सब तो बेवकूफ़ मूर्ख इंसान है ना, ऐसे ही रोशनी सबको लगता है दुश्मनी है, रोशनी का ऐसे ही नाम सबको बदनाम कर रहे हैं। पहले गुनगुन का नाम बदनाम होता था और अब रोशनी का नाम बदनाम हो रहा है कि नहीं समर की माँ? तो चलिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है। समर तो अभी अपनी माँ के इशारों में नाच रहा है बहुत अच्छे से, क्योंकि मम्मी दिला रही है नया फ्लैट। और आप देखते हैं आगे आगे होता है क्या, जब राधिका को ये पता चलेगा कि नया फ्लैट आ रहा है, वो रहेगी कि नहीं रहेगी, वो तो बात की बात है। तो जिसको मैं आज का ब्लॉग अच्छा लगा हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल में प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आओ, इधर आओ, नहीं आएगा वहाँ, बाय बाय पीछे से ही करेगा। तब तक के लिए बाय बाय।